हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी पार्ट टू के बारे में। ये बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन। पहला है फाइसियोगनोमिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन टोटली डिपेंड करता है ऑन द जनरल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, और इसको फाइसियोगनोमिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। आगे फाइसियोगनोमिक क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है फेनेरोफाइट्स। ये प्लांट्स जो हैं, ये ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स और क्लाइंबर हो सकते हैं। इन प्लांट्स में जो ग्रोइंग बर्ड्स होती हैं वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं होती और लोकेटेड होती हैं अपराइट शूट्स में, मच अबोव द ग्राउंड सरफेस। दूसरा टाइप है कीमोफाइट्स। इन प्लांट्स में जो बर्ड्स होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस और अप टू हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली कॉमनली पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड्स पे। नेक्स्ट है हेमिक्रिप्टोफाइट्स। ये प्लांट्स जो हैं ये सोयल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स एंड शूट्स आर प्रोटेक्टेड बाय सोयल एंड डेड लीव्स। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं मोस्ट ऑफ द बायनियल एंड पेरिनियल हर्ब्स। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिप्टोफाइट्स। इन प्लांट्स में जो बर्ड्स होती हैं वो यूजुअली ब्यूरिट होती हैं सोयल में और इन बल्ब्स एंड राइजोम्स, जहाँ पे फूड जो है वो स्टोर किया जाता है लॉन्ग पीरियड्स के लिए और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में। नेक्स्ट है थीरोफाइट्स। ये जो हैं ये एनुअल प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स और सीड्स फेवरेबल कंडीशंस में। नेक्स्ट है हैबिटेट क्लासिफिकेशन। वो रीजन जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी का जो हैबिटेट है वो क्लियरली इंडिकेटेड होता है कि प्लांट्स जो हैं वो क्लासिफाइड और नेम्ड, उनका नाम दिया जाता है फाइसियोग्राफी के कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला है सैंड ड्यून कम्युनिटी, सेकंड है पॉन्ड कम्युनिटी, थर्ड है लेक कम्युनिटी, नेक्स्ट है स्ट्रीम कम्युनिटी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है फ्लोरिस्टिक क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के लिए डिटेल्ड स्टडी चाहिए किसकी, इंडिविजुअल कम्युनिटी की। इसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होती हैं मैनी कंसेप्ट्स जैसे कि फ्रिक्वेंसी, डोमिनेंस, कॉन्स्टेंसी, प्रेजेंस एंड फिडेलिटी। तो इन सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। इसमें पहला है ज्यूरिच मोंटपेलियर। इस क्लासिफिकेशन में फ्लावर्स फर्स्ट टाइम यूज होते हैं एसोसिएशन के लिए एज अ यूनिट ऑफ कम्युनिटी। एसोसिएशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ साइनिकोलॉजी इज अ प्लांट कम्युनिटी ऑफ डेफिनेट फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन प्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म फाइसियोगनोमी एंड ग्रोइंग इन
हैबिटेट कंडीशंस। दूसरा है इसमें स्कैंडिनेवियन क्लासिफिकेशन। जो फॉलोअर्स हैं इस स्कूल के वो कंसिडर करते हैं कम्युनिटी के एसोसिएशन को। एसोसिएशन इज द रिकरिंग प्लांट कम्युनिटी विद होमोजीनस स्पीशीज कंपोजिशन एंड विद सम डोमिनेंट स्पीशीज एसेंशियली अकर पर एनम। थर्ड जो है इसकी कैटेगरी वो है रशियन सिस्टम। कार्लेस ने इसको क्या बताया था, सोसाइटी एज अ यूनिट ऑफ वेजिटेशन। उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया किसको, हैबिटेट एंड क्लाइमेक्स को। नेक्स्ट जो है इसका टाइप वो है ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम में फाइसियोगनोमिक क्लासिफिकेशन एंड सक्सेसफुल ट्रेंड्स वेर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। इसलिए इस सिस्टम को मिक्सचर भी कहा जाता है अमेरिकन एंड यूरोपियन सिस्टम का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डायनेमिक क्लासिफिकेशन। क्लीमेंट्स ने मॉडिफाई किया फ्लोरिस्टिक सिस्टम को और इन्होंने क्लाइमेक्स वेजिटेशन को इन अ मैक्रो क्लाइमेटिक रीजन एज फॉर्मेशन, यानी कि क्लाइमेक्स वेजिटेशन को इन्होंने नाम दिया था फॉर्मेशन, वेजिटेशन विद हाईएस्ट डेवलपमेंट अंडर द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट। हर जो फॉर्मेशन है वो डिवाइडेड होता है इनटू फ्यू एसोसिएशंस विच आर कंसिडर्ड यूनिट्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका पहला टाइप है प्लांट फॉर्मेशन। प्लांट फॉर्मेशन ग्रेट वेजिटेशनल यूनिट है किसी भी रीजन में, जो कि डिटरमाइंड होती है बाय सेवरल डोमिनेंट स्पीशीज। एग्जांपल के लिए द फॉरेस्ट विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ट्रीज। इसलिए एक प्लांट फॉर्मेशन जो है वो इज अ जियोग्राफिकल वाइड स्प्रेड क्लाइमेक्स वेजिटेशन यूनिट ग्रोइंग इन यूनिफॉर्म कंडीशंस। नेक्स्ट है एसोसिएशन। ये रीजनल वेजिटेशन है इन द फॉर्मेशन। इट इज टू और मोर सब डिवीजन ऑफ क्लाइमेक्स फॉर्मेशन एंड ईच बीइंग मार्क्ड बाय मोर देन वन डोमिनेंट स्पीशीज दैट आर पिक्युलर टू इट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लांट सोसाइटी। माइनर कम्युनिटीज जो हैं एसोसिएशन एंड कंसोसिएशन डोमिनेटेड बाय वन और मोर स्पीशीज विच आर अदर देन द डोमिनेंट्स ऑफ एसोसिएशन एंड कंसोसिएशंस आर कॉल्ड सोसाइटीज। सोसाइटी के एग्जांपल है डोमिनेंस का विद इन डोमिनेंस। जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उनको सोसीज कहा जाता है। थैंक यू सो मच।